क्या आपके घर में भी ऐसा पुराना सामान पड़ा रहता है? घर की पुरानी चीजें ये सिर्फ आपका नहीं, आपके बिल्डिंग का नहीं, आपके मोहल्ले का नहीं, पर सारे पुणे शहर का प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन है स्वच्छ वी कलेक्ट। क्या आपको पता है पुणे में 300 से ज्यादा टन पुरानी चीजें हर साल रियूज और रिसाइकलिंग के लिए भेजी जाती है, और ये किया जाता है स्वच्छ वी कलेक्ट सेंटर के माध्यम से, जिसे पिछले 11 साल से पीएमसी के साथ स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था एग्जीक्यूट कर रही है, और जिसके साथ एमिनेंट सिटीजन क्लब्स, लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और सालाना 12,000 से ज्यादा सिटीजन्स जुड़े हुए हैं। अगर आप अपने पुराने सामान को बाहर कचरे में निकाले तो ये शहर आपके सामान के ढेर से घिर जाएगा। 11 सालों से पुणे सिटीजन्स ये सामान लैंडफिल्स की जगह उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको इसकी जरूरत है। आपका पुराना सामान जरूरी नहीं कचरा हो, क्योंकि इस सामान का कचरे में जाना पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आपके पुराने कपड़े, ई वेस्ट, किताबें, खिलौने या बर्तन रीयूज किए जा सकते हैं। आपके घर में जो ई वेस्ट है उसे रिसाइकल किया जा सकता है। MPCB ऑथराइज्ड एजेंसी, जो कि ई वेस्ट रिसाइकल करती है, वो स्वच्छ वी कलेक्ट की पार्टनर है। पूरे शहर में होने वाले वी कलेक्ट ड्राइव से आपका दिया हुआ सामान स्वच्छ वी कलेक्ट सेंटर में एकत्रित किया जाता है। ये पूरा कलेक्शन सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेट किया हुआ सामान स्वच्छ वी कलेक्ट सेंटर में डॉक्यूमेंट किया जाता है। आपका पुराना सामान वेस्ट पिकर्स को उचित दर में बेचा जाता है। उससे मिला उत्पन्न उनके बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माझी मुलगी डिप्लोमा करते तर तिला खूप लॅपटॉपची गरज होती, तर माझ्याकडे पैसे नव्हते लॅपटॉप घ्यायला, तर ते मी जीवी कलेक्ट मधून जे आलेला लॅपटॉप ते मी अल्प दरात घेतला आणि माझी मुलगी ते आता वापरते। आपका पुराना पर रियूजेबल सामान जैसे कि कपड़े, ई वेस्ट, किताबें, खिलौने, जूते या बर्तन आपके मोहल्ले में हर महीने होने वाले स्वच्छ वी कलेक्ट ड्राइव में दे सकते हैं, या फिर हमारे स्वच्छ वी कलेक्ट सेंटर औंध में ड्रॉप कर सकते हैं। स्वच्छ वी कलेक्ट सेंटर से आप अपनी मनपसंद किताबें भी खरीद सकते हैं। दिस एक्टिविटी वाज स्टार्टेड 11 इयर्स अगो एंड लिटरली एज एन एक्टिविटी दैट स्टार्टेड विद इन अराउंड 2011 विद less than a ton that was handled the whole year. We were literally only handling clothes, to moving to a level now 10 years down the line where a single center handles 20 tons of waste per month shows the tremendous potential. It also shows that if you're looking at 20 tons per month, we are potentially looking at diverting 240 tons of waste annually, and all the associated costs, any municipality will tell you that it's over 2000 rupees per ton to handle this kind of material, and we're saving that for the municipality. We hope that this activity develops and to a point where literally every urban poor person has very easy access to all the kinds of materials that they need in places that they can literally walk to, and that every urban consumer has access to such places again literally at walking distance where they can go and drop off material that they don't need. Swachh V Collect se har saal takriban 149 metric ton kapde, 70 metric ton e-waste, 22 metric ton kitabe aur 68 metric ton anya saman landfill se divert kiya jata hai. तो फिर आप भी जुड़िए इस रिसाइकलिंग चेन से और पुणे के रिसाइकलिंग कल्चर का हिस्सा बनिए।